नमस्कार, मैं विवेक हर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में। एक भारत जहां भाषा, जहां पर संस्कृति, जहां पर वेशभूषा एक हो जाती है। और भारत सरकार की यही पहल है उन युवाओं के साथ, ताकि वे सभी राज्यों की संस्कृति परंपरा को अच्छे से जान सकें। और यदि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जोड़ीदार जो राज्य हैं वो मणिपुर और नागालैंड है। तो चलिए हम कार्यक्रम में देखते हैं कि किन किन चीज़ों का वो लाभ उठा रहे हैं और सीख रहे हैं और भारत को एक सूत्र में वो मिल के बांध रहे हैं। और कुछ युवा दोस्त हमारे साथ और जुड़ गए हैं बताने के लिए कि उन्होंने क्या सीखा, क्या जाना और किस तरीके से वो अभी भी सीख रहे हैं। तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम और इस सांस्कृतिक आदान प्रदान से आपने क्या सीखा और क्या जाना? मेरा नाम दुर्गा राजभर है। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम में हमने इनके साथ जुड़े, इनको समझा और इनके कल्चर को समझा और इनका रहन सहन, बोली, कुछ भाषाएँ सीखी इनकी। हमने इनको सिखाई हिंदी, उनने हमें मणिपुरी सिखाई और आपस में चीज़ें सीखी। हाँ तो बिल्कुल, तो ये सीखना सिखाना यूं ही चलता रहता है। और यदि हम सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात करें तो इन सब चीज़ों से हमें हमारे देश के सभी राज्यों के बारे में सीखने को मौका मिलता है। तो हमारे साथ एक और युवा दोस्त हैं, तो आपका शुभ नाम और आपको सबसे अच्छी बात मणिपुर और नागालैंड की क्या लगी जो सांस्कृतिक आदान प्रदान में आपने सीखी हो? मेरा नाम आयुषी वर्मा है। इनकी सबसे अच्छी बात इनका डांस बहुत अच्छा है। अब यहाँ का डांस है कि अपन कुछ भी स्टेप कर देते हैं तो बन जाता है, और इन लोगों का डांस कि मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब सरल स्टेप रहती हैं पर उसमें बहुत मज़ा आता है। और अपने यहाँ ऐसा होता है कि मतलब इनके यहाँ ग्रुप बना के करते हैं और अपने यहाँ सिंगल भी कर सकते हैं, इनके इसमें सिंगल नहीं कर सकते, ग्रुप में ही मज़ा आता है इनके यहाँ। बिल्कुल, तो ये कुछ चीज़ें हैं डांसेस की जो उन्होंने सीखी और जानी। और ये डांस ही और ये संगीत ही होता है जो हम सबको एक जोड़ कर रखता है और एक बना कर रखता है। तो अब हमारे साथ कुछ नागालैंड और मणिपुर के दोस्त हैं जो हमें बताएंगे कि क्या क्या चीज़ों को सीखा उन्होंने मध्य प्रदेश में यहाँ पर आकर। तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्लीज़ टेल मी द वन थिंग डू यू लाइक मोस्ट इन मध्य प्रदेश। What I like the most in Madhya Pradesh is now we are having so much closeness that we as brothers. Okay. Yes. And I feel comfortable to be here, and I think that this is my state. Okay. And we hope that in this camp, we used to interact our culture of the present. That is, we are having here in Nagaland, Mizoram. And Nagaland, Manipur, and Madhya Pradesh, and we used to exchange our culture, and we interact with our youths, and it's very good for us. बिल्कुल, तो देखिए ना कि किस तरीके से कंफर्टेबल हो जाते हैं जब यहाँ पर आते हैं और एक दूसरे के साथ जब रहने लगते हैं तो ये भाषा और ये जगहों का भेद जो है वो खुद ब खुद कम होता चला जाता है। तो हमारे साथ एक और युवा दोस्त हैं, तो चलिए हम इनसे बातचीत कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप यहाँ पर आए तो कैंप में आपकी धारणा क्या थी, लाइक व्हाट यू थिंक लाइक व्हेन यू केम हियर, तो उसके बाद आने के बाद यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जॉनसन लेशम फ्रॉम मणिपुर बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट। मैं इधर भोपाल आके बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे आने से पहले मैंने बहुत सोचा कि भोपाल आके ये घूमूंगा, ये आ जाऊंगा, ये फिर ये उन लोगों का भोपाल लोगों का डांस या गाना सीखूंगा। पर ऐसा ही मैंने सोचा, वैसा ही मैंने इधर आके मिला। सब बहुत खुश हुआ मुझे। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि आने से पहले मैंने वो मानव संग्रहालय घूमने का मन कर रहा था आने से पहले, लेकिन इधर आके वो घूमने का चांस मिला ऑर्गेनाइजेशन लोग ने, उन लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और लाइक यहाँ पे जितने भी हिंदी भाषी दोस्त हैं आपके जो मध्य प्रदेश के आंचलिक एरियो से आए हुए हैं, उनके साथ रहकर उनसे क्या चीज़ सीखी आपने? हाँ, बहुत सीखा। वो MP का स्टेट गाना सुखा था, वो थोड़ा एक दो लाइन सीखा हुआ सीख लिया, और वो डांस भी स्टेट डांस वो भी सीख लिया मैंने, फोक डांस। और हिंदी तो थोड़ा, हम मणिपुरी वाले थोड़ा कमज़ोर है हिंदी में, तो उन लोगों के साथ ये भोपाल लोग के साथ मिलजुल के उन लोगों से हम सीख लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत अच्छा लगा मुझे।
बिल्कुल, और ये अच्छा लगना भी चाहिए क्योंकि ये पूरा राष्ट्र हम युवाओं ही से ही तो बना हुआ है, और युवा जब भी कुछ नया सीखने और करना चाहते हैं तो कुछ अलग ही उनको मिलता है। तो एक और युवा दोस्त हैं, तो चलिए हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पर आके क्या सीखा और क्या जाना। तो आप हमारे साथ हैं, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो कैंप हुआ, इसके बाद यदि आपको भोपाल आने का मौका मिला तो आप किन किन जगहों पर दोबारा आना चाहेंगे? मेरा नाम केएच अजमल शाह है, मैं मणिपुर से हूँ, एक जिले इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पार्टिसिपेंट बन के आया हूँ। अभी मैं भोपाल आकर मैं बहुत खुश हो गई। मेरा यहाँ का आदमी बहुत अच्छा है, हमको ध्यान रखता है, कहाँ कहाँ जाकर हम भी बोलता है ये हमको देता है, उन लोगों का नॉलेज भी हम लिया। और यहाँ का भोपाल का वो लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल में गया, सब मिलके हम बहुत खुश होया, और सांसी भी गया, और न्यू मार्केट भी हम कल घूमे सब। यहाँ का सिटी भी हम बहुत अच्छा लगा, बहुत क्लीन सिटी है भोपाल का सिटी। तो मगर हमारा हम ऐसा चाहता है, हम हिंदी भी नहीं बात कर सकता, अभी भोपाल आकर हम भी थोड़ा थोड़ा समझ के बोलता हूँ, गलत भी बोलता हूँ, मगर भोपाल के लोग ने हमको समझ दिया, ऐसा बोलो हमको बोल दिया। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, यहाँ का हम यहाँ में ऐसे ऐसे फैसिलिटी भी मिलता है, हमारे दोस्त के लोग भी हम डांस करता है, हम भी बोलकर उनका फोक डांस का वो ऐसा स्टेप सिखाता है हमको, हमको बहुत मज़ा आ गया। हम कभी भी हम भूलेंगे यहाँ का दोस्त, और हमारे भूलेंगे नहीं यहाँ का हमारा लोग, वो सार डिवाइसी भी हम कभी नहीं भूलेंगे, हमको सब टेक केयर करता है, थैंक यू। बिल्कुल, तो कितनी अच्छी बात है, ये साथ और ये ख्याल एक दूसरे का हमें एक सूत्र में बांधता है, और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है, तभी तो इस कार्यक्रम का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। Oh, he's young.
tell me about the dance performance you did here. What is the meaning of this dance? The meaning of this dance is, it's a good day. It's a good day for us to meet you. Okay. And it's about, like, we are from different places, but we meet here, and we are overjoyed because of that. It's about that. The meaning of our song is all about, we are from different state, but we came here. It's, we are happy, so we sing this song to show you that we are blessed and we enjoy. हम नागालैंड से आए हैं, यहाँ आए हैं बहुत खुश हुआ, इसलिए हम ये कल्चरल का डांस और गाना खुश का दिखाने के लिए गाए और डांस भी किया था. हेलो नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह राठौर है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ. मैं यहाँ अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए आया हूँ. मैं आपको मणिपुरी में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. तो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आएगी मिंग धर्मेंद्र सिंह राठौर, आएगी भोपाल दवानी, आएगी इमागी मम्मी परस्वतीबाई राठौर एंड आएगी पाबुंगी श्री भीम सिंह राठौर. इसका मतलब मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह राठौर है, मैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट का हूँ और मेरे पिताजी का नाम भीम सिंह राठौर जी है. मैं मणिपुरी में मैंने एक सॉन्ग सीखा है जो मैं आपके सामने गाना चाहता हूँ. सनलई बक मणिपुर मणिपुर कोलो नंगी मणिपुर मणिपुर नाई जरूंगी मनी नारक्की लैरा नाई जरूंगी मनी नारक्की लैरा पिता का मंगल चाव बनी पिता का मंगल चाव बनी. सनलई बक मणिपुर मणिपुर कोलो नंगी मणिपुर मणिपुर इनु बूंदागी हो रप्पी सिंगलो ना पल्लन खरे भी इनु बूंदागी हो रप्पी सिंगलो ना पल्लन खरे भी. सनलई बक मणिपुर मणिपुर कोलो नंगी मणिपुर मणिपुर. इस गाने का मतलब यह है कि जो मणिपुर राज्य है वह सोने से भरा हुआ है. सकारात्मक प्रभाव देखने को ये मिलता है कि जब ये पहले दिन आए थे तो ये हमारे मध्य प्रदेश वालों को बोल रहे थे कि यू आर इंडियन, और हमारे यहाँ के लड़के बोलते थे आप लोग तो नॉर्थ ईस्ट के हो. लेकिन अब आप इनसे बात करें तो ये नहीं कहते कि आप यू आर इंडियन या नहीं, वी आर इंडियन कहते हैं कि हम भारतीय हैं. ये हमारे इस कैंप की सबसे बड़ी उपलब्धता है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही था कि भारत एक हो, और जब भारत एक हो जाएगा तो श्रेष्ठ हो जाएगा. तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना जो है यहाँ पे पूर्णतः साकार हो रही है. तो मेरा तो यही आज का कहना है आप सबके से कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें और भारत को उस स्तर तक ले जाएं जहाँ पर हम सब एक हो जाएं. तो ये था कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत. अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. तो अपने होस्ट और दोस्त विवेक कहार को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.